हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, तारक मेहता का ओल्ड एस मामे गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत जल्दी देवाभि की एंट्री होने वाली है। एंड गाइस, मेक श्योर दैट आप सब लोग भी देवाभि का इस शो के अंदर बेसब्री से वेट कर रहे हैं। लेकिन गाइस, रिसेंटली एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप सभी के मन में देवाभि को देखने की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आने वाली स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब भाई, सिंपल सी बात है कि देवाभि की इस शो के अंदर एंट्री हो रही है तो उनकी एंट्री में टाइम न लगे कैसे पॉसिबल है। देवाभि की एंट्री में मेक श्योर दैट टाइम लगने वाला है क्योंकि कहानी कुछ लंबी जाएगी। तो अभी आने वाली स्टोरी में यहाँ पर गोकुलधाम के मेंबर्स देवाभि को गोकुलधाम सोसाइटी में लाने की कोशिश करेंगे। देवाभि को गोकुलधाम सोसाइटी में लाने की पूरी कोशिश करेंगी गोकुलधाम की महिला मंडल। जी हाँ, यहाँ पर गोकुलधाम की महिला मंडल प्लान बनाएंगी और वो सुंदरलाल को कॉल करेंगी और बताएंगे कि आखिरकार इस समय जेठालाल देवाभि के बिना कितना परेशान है। एंड इसके साथ ये भी बताएंगी कि अगर इस बार देवाभि नवरात्रि के टाइम पर गोकुलधाम सोसाइटी में ना आई तो जेठालाल गरबा नहीं खेलेगा। एंड यहाँ पे अगर जेठालाल गरबा नहीं खेलेगा तो गोकुलधाम का कोई मेंबर्स गरबा नहीं खेल पाएगा, जिसके बाद के सुंदरलाल गोकुलधाम के महिला मंडल से बोल देगा कि आने वाली नवरात्रि पर वो देवाभि को गोकुलधाम सोसाइटी में लाने वाला है। तो ये आने वाली स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड फैंस के बीच में देवाभि को देखना क्रेज डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल ये सब बताएं कि आप भी आने वाली स्टोरी में देवाभि के गरबे को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इस बारे में आपको जो भी कमेंट्स और रिव्यूज हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे।